इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ शरद हैं अहमदाबाद से। स्वागत है शरद आपका। नमस्ते जी। जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद रकीम जी आपकी। धन्यवाद सर। मेरे को मोटापा है और वजन ज्यादा है और भूख बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, एज बताइए। 55। और कोई रोग तो नहीं इसके अलावा? बीपी है साहब। ठीक है। और यूरिन नाइट में 5-6 बार जाना पड़ता है, दिन में 10-15 बार। हाँ देखिए, आप यकीन करें कि आप डायबिटीज के बहुत करीब हैं और मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो बहुत आसान भी है और आपको फ़ायदा भी देगा, लेकिन आपको अपना ख्याल रखने की तमन्ना होनी चाहिए। ये उम्र रोग आने की उम्र है और देखिए, 100-200 ग्राम आप ज़ीरा पीस के रख लीजिए। ज़ीरा जो किचन में होता है, अपनी पत्नी को कहिए पीस के दे देंगे। और रोज़ाना जैतून का सिरका 3 चम्मच रात को गर्म पानी में मिला के पिए और 1/2 चम्मच ये ज़ीरा पिसावा आप लिया करें और एक दिन में 5 बार या उससे ज़्यादा गर्म पानी पिया करें और 1 घंटा पैदल चला करें तो आपका वज़न भी कम होगा, डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, मोटापा कम होगा और बहुत से रोगों से आपको निजात मिल सकती है। वरना ये उम्र बीमारियां आने की है और डायबिटीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मेरा आपसे यही इल्तमास है। चलिए, तो आप अपना ख्याल अगर रखना चाहते हैं तो आज से ही ये घरेलू उपचार अपनाने शुरू कर दीजिएगा। और एक बात का ख्याल आप सभी को रखना है दर्शकों, जो भी आप लोगों को यहाँ पे रॉ मटेरियल हकीम साहब बताते हैं वो आपको कहीं से भी पिसे पिसाए नहीं लेके आने हैं, खुद घर पे लेके आइए, खुद पीसिए और खुद उनका सेवन कीजिए। फिर धीरे धीरे करके आपका कोई भी रोग क्यों ना हो, बड़े से बड़ा रोग आपका दूर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि 10 साल 12 साल 15 साल बहुत होते हैं और आपको एक ही रोग इतने सालों तक जकड़ कर रखता है। लेकिन जब आप लोग यूनानी पद्धति से जुड़ते हैं, हकीम साहब के नुस्खे जब आप लोग अपनाते हैं, फिर कैसे एक चमत्कार आप लोग देखते हैं, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपका कोई भी रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, दोबारा आपको छू तक नहीं पाएगा। तो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, सीधा आप लोग देसी नुस्खे जानना चाहते हैं ऐसे जो कि आपके घर से ही जुड़े हैं, तो फोन उठाना है दर्शकों। लोगों के साथ जुड़े हुए हैं हकीम साहब, जिनसे अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है आपसे हमारा संपर्क टूट गया है। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आप एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो 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 जी, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आपको हकीम साहब सुन रहे हैं। सवाल कीजिए सीधा। वो मेरा वो जो पैर में घुटना का नीचे हिस्सा नस फुला रहा है और बाबा सिर है लेकिन के रास्ते में नस निकला हुआ है। हेलो, दर्द भी है क्या? नस में दर्द भी होता है? नहीं, दर्द नहीं होता सर, दर्द नहीं होता। घुटना का नीचे नस फूला है। ठीक, एज और बता दी। एज और सुनिए, लेटरिन के रास्ते में बाबा सिर भी है, वो मांस थोड़ा निकला हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, इन तीनों रोगों के लिए आपको एक दवा बताता हूँ, लिख लीजिए। आपको आवाज़ आ रही होगी, या तो आप लिख लीजिए या मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिए। धनिया 100 ग्राम लीजिए और सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम और ज़ीरा 100 ग्राम और
एक नमक आता है कलौंजी का नमक, कलौंजी का एस्ट्रैक्ट भी कहते हैं इसे, नमक कलौंजी भी कहते हैं, कलौंजी का एस्ट्रैक्ट भी कहते हैं, आसान जबान में नमक कलौंजी कहते हैं। 100 ग्राम ये लाइए और इन सबको घर पे पाउडर बनाइए। ये आपको घर पे पाउडर बनाएंगे तो फ़ायदा करेगा, और पिसा पिसा लाएंगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसको 1 ग्राम सुबह, इस मिश्रण को, पाउडर को, सबका जो पाउडर बनेगा, और 1 ग्राम शाम खाना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि जिस दिन से आपने इसको शुरू किया उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू हुआ, और कुछ दिन बाद आप मुकम्मल तौर पर ठीक भी हो सकते हैं। चलिए, इसी के साथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार। हकीर साहब से बात करना था। जी जी नमस्ते। जी तिवारी जी, आदाब आदाब अर्ज है, बताइए क्या सवाल है। डॉक्टर साहब, हमारे क्या आंखों का जो प्रेशर है थोड़ा प्रेशर बढ़ा रहता है, हमने चेक भी करवाया था तो बताया कि आंखों में जो प्रेशर बढ़ा रहता है इससे क्या आंखें गड़ती रहती हैं और भी इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है। अच्छा, और कोई रोग है इसके अलावा आपको? नहीं सर, और कोई रोग नहीं है, बस मतलब यही प्रॉब्लम हाथ पैर में थोड़ा सा कैल्शियम गिरावट टाइप में बनी रहती है। एज बता दीजिए, एज बता दीजिए। एज सर 40 साल। ठीक है। अच्छा देखिए, गौन मोरिंगा 100 ग्राम खरीदें, रॉ मटेरियल लेना, रॉ मटेरियल लेना, गौन मोरिंगा, ये गौन मोरिंगा जी। हाँ, और इसको धनिया, कितना सर धनिया? ये भी 100 ग्राम, सब 100-100 ग्राम ले लेना। 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम गौन मोरिंगा, 100 ग्राम 100 ग्राम आपको लेना है सौंफ, और 100 ग्राम अलसी, ये सब 100-100 ग्राम आपने लिख लिया। इनको रॉ मटेरियल लेना, पिसा पिसाया आजकल महिलाएं लाती हैं, बिल्कुल नहीं, सब रॉ मटेरियल चाहिए। गौन मोरिंगा का असली लेना, अक्सर नकली मिलता है। तो ये आप 1-1 ग्राम सुबह शाम खाएंगे और गर्म पानी 5 बार पियेंगे। गर्म पानी से लें तो बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि ये जो मटेरियल आपको मैंने 400 ग्राम बता दिया, इसके ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, इनके लिए कोई दवाई? हाँ दवाई, ये घरेलू नुस्खा अच्छा है, ठीक है, और अगर फिर भी काम ना हो तो कैप्सूल पी के ले सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं रामजीत, मुंबई से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार। जी आदावर, बताइए सवाल। हाँ हकीम जी से बात। जी जी आदावर जनाब, बताइए क्या सवाल है। हकीम जी नमस्कार, और मैं क्या बोला, मेरा लड़का है सर 35 साल उम्र है उसका, और उनका जो एड़ी है ना, एड़ी के ऊपर थोड़ा सा ये दर्द हमेशा रहता है, ठीक है, पैर है ना उसके, हाँ वो एड़ी के ऊपर है आगे साइड में, वो दर्द रहता है। ठीक है ठीक है। तो देखिए, बच्चे से कहना कि कुछ दिन बहुत मेहनत का काम करते हो तो छोड़ दें, और अश्वगंधा, हल्दी, अलसी और धनिया, अश्वगंधा, हल्दी, अलसी, धनिया और गौन स्याह, ये सब आपको रॉ मटेरियल खरीदने हैं, पिसा पिसाया नहीं। गौन स्याह काले गौन कहते हैं, जो कड़वा होता है, बेशतर इसे लोग नहीं जानते हैं, मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिल जाता है, तो ये असली लेना। इन सबको पाउडर बनाकर 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम बच्चे को खिलाइए। मुझे उम्मीद है कि चंद हफ्तों में आपका बच्चा तंदुरुस्त होने की उम्मीद है। चलिए इसी के साथ रेखा हमारे साथ जुड़ी हैं अमृतसर से, स्वागत है रेखा आपका। हेलो। हेलो जी रेखा, सवाल कीजिए अपना। जी मैं तीन साल से बात कर रही हूँ। जी जी मैं आपसे मुखातिब हूँ, बताइए क्या सवाल है रेखा जी। जी मेरा ना, मेरे हस्बैंड को ना प्रोस्टेट है, लेकिन शो जो है ना, अल्ट्रासाउंड में शो जो है वो कर रहा है कि नॉर्मल और साइड में है। एज बता दीजिए भाई की, एज बताइए। प्रोस्टेट है उनको, अभी थोड़े दिन में आया है, तो
प्रोस्टेट है, तो प्रोस्टेट का ना उसका साइड में है। ठीक है, मैं समझ गया। अल्ट्रासाउंड करवाया हमने तो वो उसमें शो जो है ना वो नॉर्मल कर रहा है, लेकिन पेशाब थोड़ा ज्यादा आता है उनको। जी जी, मैं समझ गया जी। रेखा जी, आपसे कहना चाहूंगी उनकी उम्र बता दीजिए। उम्र उनकी 70। 70। और देखिए, आपके पति सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उनको एक नुस्खा आप बना के दे दें और वो उसका एक एक ग्राम सुबह शाम खा लिया करें, वो सेहतमंद जिंदगी। वो लोग जिनको ये प्रोस्टेट की, पेशाब की परेशानी है, पेट की, गैस की, एसिडिटी की, कब्ज की, बवासीर की, लीवर की परेशानी है, उन सब के काम आता है। ये बहुत ख़ास नुस्खा है और बहुत आसान है। देखिए, एक चीज़ आती है धनिया, आप जानते हैं, महिलाएं सब जानती हैं, धनिया सौंफ सौंठ, धनिया सौंफ सौंठ और अलसी। धनिया, फिर कहता हूँ आपको, कभी समझ में ना आए, धनिया सौंफ सौंठ अलसी 100-100 ग्राम खरीदें, और नमक कलौंजी, एक सॉल्ट आता है जिसे एस्टेक भी कहते हैं, कलौंजी का एस्टेक, नमक कलौंजी भी 100 ग्राम इसमें मिलाएं। इस सब मटेरियल को घर में पीसें, बाहर का पिसावा नहीं लाना, और एक एक ग्राम सुबह शाम खाने के बाद अपने हस्बैंड को देंगे, या जिसको भी ये तकलीफें होंगी तो उनका ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं राजविंदर नोएडा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आदाब। नमस्कार अकिन जी। जी आदाब अजय जनाब, बताइए क्या सवाल है। जी, मेरी उम्र 45 साल की है जी। जी। मेरे जो दिल में बहुत ज्यादा धड़कन होती है। हार्ट बीट चेक कराया आपने कभी? हाँ जी कराई है, हार्ट तो चेक, दवाई भी खाई है। नहीं, हार्ट की कितनी धड़कन आती है, पल्स कितनी आती है, कुछ बताया डॉक्टर ने, कितना ब्लड प्रेशर रहता है? हेलो राजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, देखिए राजेंद्र जी, आपकी उम्र 45 साल आपने बताई, इस उम्र से रोग शुरू हो जाता है दिल का, चाहे आदमी को पता हो या ना हो। इसमें 2-3 रोग होते हैं। सबसे पहले तो खून गाढ़ा होने लगता है 45 साल में, हर किसी का ये कुदरती सिस्टम है, तो हर 45 साल 40 साल के आदमी को खून पतला करने के लिए ग़िज़ाएँ खाएं या दवाएं खाएं। और एक बहुत आसान नुस्खा मैं बताता हूं अक्सर, और वो ये है कि किसी को दिल का कोई भी रोग हो, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यहाँ तक कि अगर उसके हार्ट ब्लॉकेज भी हो गए हैं, इंस्टेंट डलने की भी नौबत है, हार्ट ब्लॉकेज हो गया है, रगों में चर्बी भर गई है, ये रोग सामने आते हैं इस उम्र में या इसके बाद, तो वो भी ठीक होना मुमकिन है। बड़ा आसान नुस्खा है, नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर और लहसुन का रस 1 लीटर और 1 लीटर जैतून का सिरका, ये चारों को मिक्स करें 3-3 चम्मच सुबह और शाम, नाश्ते के बाद और खाने के बाद पिया करें, पानी पिया करें, गर्म खूब पानी पिया करें, पैदल चला करें खूब, तो ऐसे रोगियों का ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं सुनीता लुधियाना से हमारे साथ, स्वागत है सुनीता आपका। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार जी आदाब सुनीता। हाँ, जी बताइए क्या सवाल है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड ना शुगर है, उन्होंने शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चक्कर भी आते हैं, पैर भी सुन्न है। ठीक है, कितनी एज है भाई की? उनकी 65 साल दी है। 65 साल। हाँ जी, अब ठीक है, देखिए मैं सही पहुँचा ना। अच्छा देखिए, एक बड़ा आसान नुस्खा है और वो ये है कि जैतून को लोग जानते हैं, जैतून का ऑयल अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, रईस लोग तो जैतून का ऑयल में खाना बनाते हैं,
लेकिन ये नहीं लेना। जैतून का एक सिरका भी आता है, जैतून का सिरका यानी ये मुश्किल से मिलता है, असली ले लें। और 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम नाश्ते के बाद पानी से ले, पानी में डाल के लें या सब्जी सालन में मिला के लें छोटे चाय के चम्मच, तो उनकी बड़ी शुगर कंट्रोल रहेगी और बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो भी दवा खाएं जो खाते हैं, लेकिन वो ज़रूरत के मुताबिक अगर आ जाएगी अगर आप ये दवा भी साथ में लेते हैं। और उनके पार्ट्स की बड़ी जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी को नुकसान देती है डायबिटीज़, उससे भी उनको फ़ायदा रहेगा।